फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे समाज की खबरें, हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। क्या 2004 में जब एग्जिट पोल गलत हुआ था तो इनकी कोई जवाबदेही थी, कोई माफी मांगी इन्होंने? तो आप देश की जनता को, मतगणना की प्रक्रिया को, चुनाव आयोग को मतगणना से पहले क्यों भ्रमित करना चाहते हैं? हमारा सवाल यह है। इसलिए यह था एग्जिट पोल का पोल खोल। इस पर देश की जनता को बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए और कल मतगणना केंद्रों के बाहर और अंदर पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि एक भी मतदान के दौरान एक भी वोट की गिनती में भाजपा वाले कोई हेरा फेरी ना करने पाए, क्योंकि एग्जिट पोल ने तो खुद ही कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के एग्जिट पोल वाले कि हमारे ऊपर हंसिए, हमारे ऊपर भरोसा मत कीजिए। मतलब 37% वोट शेयर तमिलनाडु में एग्जिट पोल ने दे दिया। वहां कई नेता बेचारे मूर्छित होकर गिर पड़े हैं बीजेपी वाले, उनको पानी छिड़क छिड़क के होश में लाया जा रहा है कि होश में आइए भैया, कह रहे नहीं हम तो 37% पे हैं। 27% दे दिया केरल में, वो हरियाणा वाले कह रहे हैं भैया हमारी 10 ही सीट है, बोले नहीं 19 ले लो। वो चिराग पासवान कह रहा 5 ही पे लड़े, बोले नहीं 6 तुम लो। वो उत्तराखंड वाले कह रहे हैं हमारी 4 ही सीट, 5 ही सीट, कह रहे नहीं 6 सीट लो। 4 सीट हिमाचल में और उनको दे दिया 8 सीट, उत्तराखंड में 5 की जगह 6 दे दिया। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाए कॉल।